राजधानी देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था, ट्रैफिक जाम और रियासी इलाकों में पटाखों के गोदामों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस के विनोद चौहान ने एसपी सिटी प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे दुरुस्त करे, साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन किया जाएगा। इसी पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है कि शहर के अंदर अवैध पटाखों के गोदाम संचालित हो रहे हैं, इनका संज्ञान लेकर कार्रवाई किया जाएगा। अधिकारियों को चिन्हित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। और हमने उनसे देहरादून शहर की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे उसमें चोरी हो, चाहे हाल में इतनी बड़ी घटना पटाखों का गोदाम वहाँ पे जिसका लाइसेंस नहीं था, खुद आज एसपी सिटी जी के लिए जिसका लाइसेंस नहीं था, और ऐसी और भी यहाँ पर मोतीजार में भी सुना है कि एक गोदाम है, उसके बारे में उनको हमने बताया, ऐसे गोदाम को तुरंत बंद किया जाए जिससे कि अपनी घटना ना कर सके। और जहाँ तक चोरी की बात है, अभी सहारनपुर चौक में कुछ दिन पहले चोरी हुई, मैंने कहा शहर में इतनी चोरियाँ हो रही हैं, आप चौक में तुम चौक में कैमरे लगाएं, यातायात व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही थी, हमने यातायात व्यवस्था में खासकर में कहा कि त्यौहारों के टाइम में शहर में पटाखे की दुकान कोई नहीं लगाई जाए, उसके लिए चिन्हित स्थान जहाँ ऊपर पटाखे लगाएगा और यातायात के लिए कोई जगह ऐसी चिन्हित की जाए कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी सके जिससे कि शहर में क्राउड नहीं हो सके। जवान जी लगातार उसमें विधिवत रूप से जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और कार्रवाई उसमें की जा रही है, और किस लेवल पर चूक हुई है वो उसमें विवेचन जो है क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो सिस्टम करके गया है उनके द्वारा बिल्कुल मुद्दों पर जो है ध्यान आकर्षित किया गया है। ऑलरेडी उसमें जो है कुछ एक दो चोरी के मामले थे, चोरी का मामला भी उनके द्वारा जो है वर्कआउट कर लिया गया है, जो भी उसमें इन्वॉल्व था वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो सामान की रिकवरी उसमें 100% हो गई है। और बाकी जहाँ तक देखिए ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था का सवाल है, तो आप ही देख रहे हैं कि उसमें हम लोगों के द्वारा जो है पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है और उसमें सबके भी खराब है, बारिश का भी मौसम है, तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो पुलिस के द्वारा जा रहा थी पूरी जनशक्ति को लगाकर एक ट्रैफिक व्यवस्था को आम जनमान स्तरीय से चारों और सुव्यवस्थित कराया जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारी जो रात्रि में फुट पेट्रोलिंग है या गश्त वगैरह है हमारे,